सेल्फ कॉन्शियस होना और सेल्फ अवेयर होना किस तरह से अलग होते हैं? बहुत कॉमनली आपने ये टर्म्स सुने होंगे, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सुना होगा, कॉन्शियसनेस टर्म के बारे में सुना होगा, और आम भाषा में भी हम ये बात बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है, मतलब सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं। तो ये जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो कि बहुत कॉमनली यूज कर देने वाले टर्म्स होते हैं, खासकर कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इन एरियाज में अवेयरनेस वर्ड को तो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि खुद के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ज्यादा सेल्फ अवेयर होने के लिए, या जिसे कहें कि आत्मज्ञान के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए योगा, मेडिटेशन ये प्रैक्टिसेस जरूरी होती हैं। तो फिर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस, ये दो अलग टर्म्स क्या होते हैं? क्या इनमें कुछ फर्क है या ये दोनों टर्म्स एक ही जैसे हैं, एक ही चीज के दो अलग नाम है? सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स अलग तरह से यूज करते हैं, इनके मीनिंग्स अलग तरह से समझे जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस होना एक क्लिनिकल साइकोलॉजी या ये कहें कि मेंटल हेल्थ के एरिया का वर्ड है, जबकि सेल्फ अवेयरनेस फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का टर्म है। आमतौर पर सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब होता है अपने थॉट प्रोसेसेस, अपनी फीलिंग्स या अपने अंदर जो भी चल रहा है, बॉडीली सेंसेशंस, फिजिकल सेंसेशंस, इन सब के प्रति कॉन्शियस होना, इनको नोटिस करना, इन पर अटेंशन लेकर जाना, ध्यान लेकर जाना। तो वहीं सेल्फ अवेयरनेस जो है वो जैसा बताया वो फिलोसॉफिकल है, उसका मतलब कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा है, मतलब कि हम अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं। अपने बारे में अवेयर होने का यहां पर मतलब ये नहीं है कि अपने मन, अपनी भावनाओं या अपनी बिलीव्स या इमेजिनेशंस के बारे में अवेयर होना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप हैं, आप भी अस्तित्व रखते हैं, इस चीज के बारे में जागरूक होना या इसके बारे में साक्षी भाव अपनाना, तो ये होगा सेल्फ अवेयरनेस। जबकि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है इसका मतलब हुआ कि आप बहुत बारीकी से अपने विचारों को नोटिस कर रहे हैं, कौन सा विचार आया, कौन सा विचार चला गया, एक विचार के बाद अगला विचार क्या आया, आपने क्या फील किया, आपके माइंड में कैसी इमोशंस चल रही हैं, किसी की बातों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे आपके मन में क्या बदलाव आया, आपके मूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसी के लिए आप क्या सोचते हैं, किसी की बातों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे चीजों के प्रति अवेयर हो जाना जो कि हमारे मन में चल रही होती हैं, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाना। और सेल्फ कॉन्शियस जरूरत से ज्यादा हो जाना हमारे मन का डिस्ट्रेस बढ़ा देता है, हमारे मन में बहुत सी चिंताएं और परेशानियां क्रिएट करता है, और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो एक पर्सन में बहुत सा तनाव, बहुत सा फेटीग, थकान और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। जबकि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, या ये कहें कि वो एक स्पिरिचुअल स्टेट है, सेल्फ अवेयर हो जाना, वहां पर एंजाइटी, डिप्रेशन इसकी कोई जगह नहीं होती, वो तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड करती है, यूनिवर्सल क्वालिटी अटेन करती है, वो एक पर्सनल सेल्फ ना होके यूनिवर्सल सेल्फ बन जाती है, जहां आपको ऐसा एहसास होता है कि अब आप एक आत्मा या अपने शरीर में कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि आप आसपास के ब्रह्मांड या आसपास के पूरे जगत के साथ एक हो चुके हैं, उसे हम कहेंगे कि वो सेल्फ अवेयरनेस होना है। तो सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब हुआ अपने मन, अपने फीलिंग, अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस होना, उस पर अटेंशन देना, उसको नोटिस करना, और इस बात की अवेयरनेस होना कि मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है या मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है। तो यहां थोड़ा फर्क है, इसीलिए इन दो टर्म्स को, इन दो शब्दों को एक नहीं समझा जाता, इनको एक तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। जब आप सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें या ये वर्ड सुने, मान के चलें कि यहां मेंटल प्रोसेसेस की अवेयरनेस की बात की जा रही है या उसके बारे में जरूरत से ज्यादा अटेंशन देने की बात की जा रही है। जब हम जरूरत से ज्यादा खुद पर अटेंशन देंगे तो हम उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स ढूंढ लेंगे, कोई कमी ढूंढेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये विचार ऐसा क्यों आया, ये विचार ये नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे मन में कई तरह के प्रश्न आएंगे, कई तरह के डाउट्स आएंगे। ये सारा जो सेल्फ कॉन्शियस होने वाला जो प्रोसेस है, ये आपके अंदर मेंटल डिस्ट्रेस लाने का काम कर सकता है। युवावस्था में, एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, और यही वजह है कि युवावस्था में ही बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होती हैं। कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर्स के डेवलप होने का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि कितने ज्यादा आप सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं।
क्योंकि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, ओसीडी या बायपोलर, कोई भी ऐसी बीमारी होती है, वो बहुत ज्यादा अपने थॉट्स, अपने इमोशंस में ही उलझे रहते हैं। थॉट्स इमोशंस के बीच एक विशेष साइकिल चलता रहता है, गोल गोल घूमते रहते हैं, अपने ही अंदर खोए रहते हैं, अपने विचारों से, अपने मन से बाहर नहीं आ पाते, बाहर की दुनिया की तरफ नहीं देख पाते, अपनी एक्टिविटीज, अपनी डेली रूटीन शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते। तो सेल्फ कॉन्शियस हो जाने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो जाता है, अपने में ही उलझा रहता है और वो बाहर नहीं आ पाता, बहुत रिजिडिटी आ जाती है उसमें। एक ही चीज जिस पर वो सोच रहा है, बार बार उस पर सोचता रहता है, उसमें कुछ सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति सिर्फ जरूरत से ज्यादा अपने मेंटल प्रोसेसेस पर ध्यान दे रहा है, वो ध्यान देने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा। इसीलिए वक्त के साथ जब लंबे समय तक ये चीजें चलती रहें, बहुत ज्यादा एक व्यक्ति सेल्फ कॉन्शियस रहे, तो डिप्रेशन और एंजाइटी एक व्यक्ति को घेरे रखते हैं। दो तरीके की सेल्फ कॉन्शियसनेस डिस्क्राइब की गई है रिसर्चेस में। वैज्ञानिकों ने देखा है कि दो तरीके से हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, एक को कहते हैं प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरे को कहते हैं पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस। प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसा कि बताया, हम अपने मन पर, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स पर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम इस बात के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, दूसरे हमारे को क्या जजमेंट देते हैं, मेरे बिहेवियर्स को, मेरे थॉट्स को, मेरे पर्सनैलिटी पर दूसरों की नजरें टिकी हुई हैं, दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में किस तरीके का जजमेंट लेते हैं, इस बारे में कॉन्शियस हो जाना। तो हम देखेंगे कि ये दो टाइप के जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के मेंटल सिम्टम्स लाते हैं। जैसे प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे, तो वहीं पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर सोशल एंजाइटी लाएगा और पैरानॉइड थिंकिंग, सस्पिशियस थिंकिंग लाएगा, जिसे कहते हैं आइडियाज ऑफ सेल्फ रेफरेंस, कि कोई दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, उसने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा, दो लोगों को मेरी बात फैला दी, अब ना जाने सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी तो बेइज्जती हो गई। ऐसे में हमारे अंदर कुछ सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस आती हैं। सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस होती हैं जैसे कि शेम, शर्म आना, गिल्ट, अपराध बोध महसूस होना, एम्बेरसमेंट, जेलसी, एनवी, कुछ इस तरह की इमोशंस हमारे मन में भर जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा सतर्क हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें कैसा महसूस करा रहे हैं, और यही कारण है कि हम कई बार अपने को अपने सोशल एनवायरनमेंट में, अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो ये रहे दो तरह के सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये एक फर्क जो मैंने बताया सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि क्यों हमें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने से खुद को रोकना है, खुद को इससे हील करना है, क्योंकि धीरे धीरे माइंडफुलनेस जैसी मेडिटेशंस की प्रैक्टिस से और कुछ दूसरे कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस की मदद से हम ये सेल्फ कॉन्शियस होने की हैबिट को दूर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सोशल एंग्जाइटी के इलाज में, हमें ये चीज सीखनी पड़ती है कि कैसे कम से कम सेल्फ कॉन्शियस हुआ जाए, थोड़ा बहिर्मुखी हुआ जाए, कैसे अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को अपने ऊपर से हटाकर हेल्दी वे में उसको बाहर की तरफ चैनलाइज किया जाए। ऐसा करने से धीरे धीरे हम बहुत सारा मेंटल डिस्ट्रेस दूर कर लेते हैं और मेंटल इलनेस के बहुत सारे सिम्टम्स को दूर भगा सकते हैं।